बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने घरों में आबाद रखे, दुख तकलीफ परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं मिसालेदार कलेजी, जिसमें मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल लेके इसको थोड़ी देर गर्म कर लिया है। 1 टीस्पून साबुत मिक्स गर्म मसाला शामिल कर लेंगे। दो मैंने प्याज लिए, इसको लंबे साइज में काट लिया, अब शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब प्याज को मैं ब्राउन कर लूंगी। प्याज को मैंने लाइट ब्राउन कर लिया। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अब मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब इसको थोड़ी देर भून लेंगे। टू टीस्पून लाल मिर्च शामिल कर लेंगे पिसी हुई। वन टीस्पून खुशक धनिया पिसा हुआ। एक मैंने टमाटर लिया, ये शामिल कर लेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्च, एक मैंने लीमू लिया है, उसके छोटे साइज कर लिए, पीस में काट लिया है। ये आधा किलो मैंने कलेजी ली है, ये शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मिक्स करके थोड़ी देर मैं भून लूंगी। कलेजी को मैंने भून ली है। अब इसमें मैं 2 गिलास पानी के शामिल कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं चूल्हा ऐसा कर लूंगी और इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको गलने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ लगे बेल के बटन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिल सके। हम ढक्कन खोल कर देख लेते हैं। ये 4 मैंने सब्ज मिर्च लिए, 2 को बारीक काट लिए, 2 को लंबे साइज में। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। अब हमारी ढाबा स्टाइल मिसालेदार कलेजी तैयार हो चुकी है, बहुत ही मजे की बनी है। आप भी जरूर ट्राई करना। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।